इच्छाओं के विरुद्ध प्रेम करना, किसी की इच्छा है नहीं फिर भी उसे आप पाना चाहते हो, कोई आपको चाहता नहीं पर आपकी का मोह उसके प्रति बढ़ता जा रहा है, कोई व्यक्ति आपसे नफरत कर रहा है और आप उसे प्रेम कर रहे हो, कोई व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है आप उसे पाने के लिए लालायित बैठे हो, कोई व्यक्ति आपको देखना तक नहीं चाहता और आप उसके दीदार करने के लिए बिल्कुल लालायित बैठे हैं, कोई इंसान आपसे बहुत झगड़ा करता है और आप प्रेम की उम्मीद रखते हैं। ये समस्या आम है प्रेम करने में, रिलेशन में, संबंधों में, रिश्तों में ये समस्या बहुत आम है। इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसे कैसे सुव्यवस्थित किया जा सकता है, आज उसी बारे में बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा जीरा, हाँ खाने वाला थोड़ा सा जीरा आपके अपने मन का बन सकता है हीरा, या तुम्हारे मन का जो हीरा है उसे दिलाने के लिए बहुत कारगर है जीरा। जानिए पूरा विश्लेषण। लव्य एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी की इस श्रृंखला को 20 लाख से ज्यादा लोग धन्यवाद कर चुके हैं। परिस्थितियां आपके अपने जीवन को जीवंत किया जाता है। लव्य एस्ट्रोलॉजी में वेद पुराण की हे गौरी शंकरा धन्यवाद कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव्य एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से ओतपोत करने का एक अद्भुत साधन है। लव्य एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान करने का एक अनूठा संगम का नाम लव्य एस्ट्रोलॉजी है। यहां पर शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान हो जाता है। एस्ट्रोलॉजिकली ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाक्ति, ब्रह्म, राक्षस, बेताल इत्यादि किसी भी तरह की समस्या का सीधा समाधान का केंद्र लव्य एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ 4000 से ज्यादा रिसर्चर हैं, यहाँ पर 10 से ज्यादा भाषाओं पर काम किया जा रहा है, यहाँ 100 से अधिक सेंटर बनाए जा चुके हैं आपके लिए, और अब तो आपको पता है कि आपका चैनल लाइव है 24/7। आपको हम पहले बोलते थे कि किसी और चीज को मत देखो, हम हमेशा कहते थे कि कुछ और मत देखना, जब देखना कुछ अच्छा देखना। तो अब तुम्हारे पास एक साधन हो गया है 24/7 का, जब कोई काम नहीं हो आपके पास तो आप LWA यानी लव विद एस्ट्रोलॉजी को 24 घंटे देख सकते हैं। आपके YouTube चैनल पर 24 घंटे लाइव एक चैनल चल रहा है जिसका नाम LWA यानी लव विद एस्ट्रोलॉजी है। तो आज मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा एक चम्मच जीरा आपके अपने जीवन को चेंज कर सकता है। मैं कह रहा हूं एक चम्मच जीरा आपके मन का हीरा बन सकता है। मैं कह रहा हूं जहां पर इनकार था, जहां पर इकरार था, जहां पर झगड़ा था, जहां पर प्रेम था, जहां पर किसी को पाने की इच्छा थी, जहां पर किसी को पा लेने की, अपनी तरफ ले आने की भावना थी, जहां पर बहुत सारे द्वेष थे, पाखंड था, विवाद था, असमंजसता थी, कंफ्यूजन था, उन सब चीजों को प्रेम कहते हैं। प्रेम को सही तरीके से समझने के लिए आज जीरे को क्यों लिया गया है, जीरा ऐसी क्या चीज करता है, क्यों पाकशास्त्री जीरे को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखते हैं, और हां आयुर्वेद में इसका बड़ा स्थान है। पाचन तंत्र के लिए, लीवर को अच्छा करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जीरा बड़ा काम करता है। ऐसे ही आपके लव लाइफ को स्वस्थ रखने के लिए, लव लाइफ में पाचन तंत्र ठीक हो जाए उसके लिए जीरा कैसे काम आएगा, आज उस पर पूरा विश्लेषण है। आपको पता है यहां रोज बताए हुए उपाय 1, 2, 4, 6, 10 लोगों को फायदा नहीं करते, कुछ 100-200 लोगों को भी फायदा नहीं करते, हजारों लाखों लोगों को फायदा करता है, अनुभूत प्रयोग है। अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर 20 लाख से कहीं ज्यादा लोग धन्यवाद कर चुके हैं। यहां का सक्सेस रेट 10-15-20% नहीं है, 50% भी नहीं है, ज्योतिषियों का मुश्किल से 5% होता है, बहुत हाईएस्ट लेवल पे कोई होगा तो 10-15% पे होगा, ईमानदारी से कोई बोलेगा तो। हमारे यहां का रिसर्च है, हमारे यहां का बिल्कुल ईमानदारी से, क्योंकि हम पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, हमारे यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है और हम निरंतर इसको बढ़ा रहे हैं। हम 95 पर थे, हम 95 प्लस पर जा रहे हैं, हम और आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा ने चाहा तो एक दिन हम 100% खड़े होंगे। हमें इस बात पर अभी कोई शर्म नहीं है कि हाँ अभी हम कुछ लोगों के काम नहीं कर पा रहे हैं,
हाँ कुछ लोग अभी हमसे असंतुष्ट हैं, हाँ कुछ लोगों के जीवन में अभी चीजें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन इस बात से ज्यादा संतुष्ट है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में चेंजेस आ रहा है। लोग अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हैं, अपने जीवन को चेंज कर पा रहे हैं, खुद को पहचान पा रहे हैं, खुद को समझ पा रहे हैं, खुद को मूल्यवान कर पा रहे हैं, खुद को बहुत खास बना पा रहे हैं। और जरा ध्यान से समझना, खुद को मजबूत बनाना, स्पेशल बनाना, कीमती बनाना, सुंदर बनाना और बहुत खास कर लेना, ये सीख रहे हैं इस पाठशाला में, इस कक्षा में, इस एजुकेशन सेंटर में, अपने जीवन में प्यार भरना सीख रहे हैं। और ये बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है। इसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद कि इस चीज को आप रेगुलर कर रहे हैं। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि आपका लिबिड एस्ट्रोलॉजी बहुत जल्द जियो पर, एयरटेल पर, टाटा पर और अन्य अन्य बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर, ये जो LWA है इसे आप 24/7 बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर देख पाओगे। इसमें MX Player, G5 ऐसे कितनी ही प्लेटफॉर्म्स हैं, वो हम जल्दी ही आपको इन्फॉर्म करेंगे। अभी तो आपको सिर्फ सूचना दे रहे हैं कि आपके लिए 24 घंटे प्रयत्नशीलता बिल्कुल जारी है, रेगुलर निरंतरता कंटिन्यूटी में बढ़ाई जा रही है। आज मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा जीरा आपके लाइफ को ठीक कर सकता है, पूरा विश्लेषण बताऊंगा इस पर, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरु जी, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। गुरु जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी लाइफ बहुत ही मुश्किल चल रही थी, उनके साथ मेरा रिलेशन बहुत ही बिगड़ रहा था, लेकिन जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ वो बहुत बदल गई हैं। पहले मेरे से प्यार से बात नहीं करते थे, अब वो मुझसे प्यार से बात करने लगे हैं, अब वो मुझे कम गलत बोलते हैं, पहले से उनमें बहुत चेंजेस आ गए हैं। मैं सारा दिन रोती रहती थी, अब मैंने रोना छोड़ दिया, मैं पॉजिटिव सोचने लगी हूँ। ये सब आपकी कृपा है गुरु जी, थैंक यू सो मच, मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखिए, आशीर्वाद दीजिए गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपके जीवन को खुश करे, प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। आप जो पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, जो भी कुछ बनना चाहते हैं, परमात्मा शिव आपको उन सब चीजों में मदद करे। आज कह रहा हूं कि थोड़ा सा जीरा, जीरा एक्चुअली तंत्र का बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है। जीरा पाकशास्त्रियों के लिए, किचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है, पाचन तंत्र के लिए, लीवर के लिए बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट अटैक के लिए, लीवर को स्वस्थ रखने के लिए, आपको और गोरा होने के लिए, आपको सुंदर बनने के लिए, खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए, कितनी ही जगहों में जीरा काम आता है। आज मैं कह रहा हूँ कि वही जीरा आपके अपनी लव लाइफ में भी बहुत कारगर है। जीरे की अपनी एक ताकत है, जीरे का अपना एक अलग स्वभाव है, एक अलग व्यक्तित्व है। जीरा एक्चुअली जीवित प्राणी है अपने आप में। मैं आपको आपके खाने से हेट नहीं कराना चाहता हूँ, इसलिए नहीं बताऊँगा कि वो कैसा दिखता है, कि क्या उसकी आकृति और क्या उसका स्वरूप है, मैं उतनी दूर तक नहीं जा रहा हूँ। बस इतना कह रहा हूँ कि वो एक जीवित प्राणी है, एक जीवित व्यक्ति है और सच मानो उसके अंदर वही आकार, वही स्वरूप और उतनी ही प्राण है। और हाँ, एक्चुअली तो ये गंधर्व होता था, पटकथाओं में आता है कि एक गंधर्व था जिसने कुछ श्राप की वजह से वो एक औषधि, एक सामग्री बनकर रह गया और लोगों के जीवन को बेहतर बना रहा है। जब वो गंधर्व होता था तो उसके जीवन में प्यार सबसे महत्वपूर्ण अंग होता था, पर पूरी की पूरी दुनिया में जीरा से कभी भी किसी ने प्यार को कुछ नहीं समझा। उदाहरण में बहुत सारे आए, ऊंट के मुंह का जीरा और जाने क्या 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 क्या, लेकिन जीरे को प्यार के लिए सदुपयोग नहीं किया गया, जबकि वहां साफ साफ लिखा है, जहां से यह पता चलता कि वो गंधर्व था, जहां से यह पता चलता कि वो श्राप की वजह से, वो विश्वामित्र की कृपा की वजह से वो सामग्री बन करके रह गया, वहीं से ये पता चलता है कि ये एक ऐसी सामग्री है जो जीवन में प्रेम और संबंधों और रिश्तों के लिए बनी है। केवल खान पान में तो सिर्फ यूज करते हैं, मात्र इसका असली उपयोग प्यार के लिए है। और क्या क्या लिखा है, अद्वैत संख्यार्य गतन स्वपाद्यं कृतस्य कार्यं यद् घर समंच,
मृसुस्वधाया कृतभागमाश्यं द्वितीय पक्षं यदकार भारी। देवभूरितपन संधान संभार्यकम कहते हैं कि बहुत 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 स्पेशल है ये, और सिर्फ प्यार के लिए बना है, दूसरा कुछ उपयोग ही नहीं है, दूसरा कुछ उपयोग नहीं है, फिर भी हम इतने सारे उपयोग करते हैं। और कहते हैं भाई प्यार के लिए उपयोग करने के लिए बना था और हमने उस पर कभी रहस्य उद्घाटन नहीं किया, इससे पर्दा नहीं उठाया कि इस भी यूज आता है। क्यों नहीं किया ऐसा, क्यों नहीं किया, जरा समझने की कोशिश करना। इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ मान्यताएं थोड़ी भिन्न है। हम राधा कृष्ण की पूजा तो करेंगे लेकिन राधा जैसी लड़की अपने घर नहीं रखना चाहेंगे। गहराई से समझना, निवेदन कर रहा हूं, इसको अपोजिट मत लेना, सकारात्मक समझने की कोशिश करना, मेरे इष्ट है। हम वो सब कुछ करना चाहते हैं जो भगवान ने किया है या जो कहा है, पर अपने घर में नहीं, बाहर। भगवान राम को प्रणाम करते हैं, कौन चाहता है उसका सगा पुत्र 14 वर्षों के लिए बन भटके, कोई नहीं चाहता। ऐसी कितनी ही चीजें हैं। तो हमारे यहां मान्यताएं और संस्कार कुछ इस ढंग के हैं कि हम ऐसी चीजों को गुप्त रूप से बस छुपा के रख देते हैं ताकि कोई उसका गलत उपयोग ना कर ले, और ऐसा गुप्त कर दिया कि वो कभी खुला ही नहीं। तो आज उसका रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं आपके सामने कि इससे बहुत लाभ होता है। और क्या क्या लाभ होता है, जो नहीं चाहता, इच्छा जिसकी नहीं है, स्वीकृति जिसके अंदर नहीं है, एक्सेप्टेंस जिसके अंदर नहीं है, जो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि वो आपसे प्रेम करता है या आपको चाहता है या आपको पाना चाहता है या सच में उसको भी आपकी जरूरत है, एक्सेप्टेंस नहीं है, चाहत नहीं है, नीड ही नहीं है। एक बहुत बड़े संत हुए, बीमार हो गए, उनके कुछ शिष्यों ने जाकर के कहीं औषधालय में उनको भर्ती कराया। डॉक्टर ने देखते ही ये कह दिया कि नहीं नहीं, इनको आप घर ले जाओ और ये शायद नहीं ठीक हो पाएंगे। तो शिष्यों ने बड़ा क्रोध किया कि भाई ऐसा क्या, आपने बिना देखे ये कह दिया, क्यों भाई ऐसा क्यों कह दिया आपने। बोले देखो मेरी बात समझो, इनकी इच्छा नहीं है जीवित रहने की, मैं दवाई दूंगा, मैं औषधि दूंगा, मैंने ठीक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर ये मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इनको मेरा सपोर्ट करना होगा तब ये ठीक हो पाएंगे, जब इनकी स्वयं की इच्छा होगी तब ये ठीक हो पाएंगे। जब तक मरीज खुद अपनी मर्ज को ठीक करना नहीं चाहता, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं से उपज के नहीं आती, आपके अंदर से व्याप्त होती और अंदर से जन्म लेती है, उसे आप अलग अलग नामों से जानते हो, आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणः शरीरं ग्रहम्। आप उसे अलग अलग तरीकों से जानते हो, भाई ये प्राण है, ये शक्ति है, ये एनर्जी है, ये पावर है, और पता नहीं क्या ऑरा है, हजारों नामों से जानते हो। पर स्वीकार करो इस बात को कि भाई आप स्वयं चाहोगे तब कुछ होगा। और हाँ, अगर ऐसा नहीं है, कोई सामने वाला नहीं चाहता, स्वीकृति है ही नहीं, चाहत है ही नहीं, और वो चाहता ही नहीं है या वो चाहती ही नहीं है इस रिश्ते को कंटिन्यू करना, उसके बावजूद भी अगर आपकी इच्छा है तो सिर्फ जीरा बचा सकता है इस रिश्ते को, सिर्फ जीरा सुव्यवस्थित कर सकता है, सिर्फ जीरे में वो ताकत है कि सब कुछ अच्छा हो जाए। अब क्या करना है आपको, आपको करना ये है कि एक हरे कलर के कपड़े में, ग्रीन कलर के कपड़े में एक चम्मच जीरा बांधकर अपनी ऊपर वाली पॉकेट में रखें, और या तो अपने गुप्तांग के पास में कुछ देर तक रखें। अब दोनों का भाव अलग है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हर हाल में आपका गुलाम हो जाए, हर हाल में चाहिए, मतलब ये आदमी झुक के रहना चाहिए, ये व्यक्ति झुक के रहना चाहिए, ये लड़की मेरे सामने झुक के रहना चाहिए, अगर ऐसा भाव है कि कोई झुक के रहे, तो देखो सकारात्मक वाला रखना, जो सच में जिससे तुम प्रेम करते जिससे सच में अपने साथ रखना चाहते हो, तो ही इसे गलत रूप में इस्तेमाल करोगे तो ये काम नहीं करेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। अगर आप चाहते हो हर हाल में वो तुम्हारा ही हो करके हो जाए, वो प्यार तुम्हारा ही रहे, तो ये बड़ा कारगर होगा, ये बहुत स्पेशल हो जाएगा आपके लिए कि आप उसे गुप्तांग में थोड़ी देर रखें। अगर आप चाहते हैं सामान्यतः उपाय करना, तो आप ऊपर के पॉकेट में या अपने हृदय के पास में रख सकते हैं, कुछ देर तक रखना है, और उसके बाद क्या करना, उसके बाद एक जल के पात्र में उसे रात भर के लिए डुबा देना है। अब आपने क्या किया, कई सारी एनर्जियों को एक साथ संग्रहित कर लिया,
और उसे उठा करके रात भर सोक करने के लिए छोड़ दिया। दुनिया में सबसे बड़ा स्पेशल पूजा पानी चढ़ाना है। भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं लोग, तुलसी में जल चढ़ाते हैं लोग, सूर्य को जल देते हैं। जल चढ़ाना विश्व का सबसे बड़ा पूजा है, इस पर फिर कभी बात करूंगा। उस जल में आप उसे जब डुबा के रखते हो ना, तो आप समझो स्नान करा रहे हो, अभिषेक कर रहे हो। यावत यावत अभिषेकं क्रियान सस्यात तावत भूमौ भविष्यति। जिस प्रकार से पृथ्वी को आसमान भिगोता है अपने प्यार में, आप उस प्रकार से भिगो रहे हो। इस भावना से रात भर उसे सोख करने दीजिए उस जल पात्र में। उसके बाद कहीं कच्ची जमीन में वो पानी डाल दें और जो आपकी पोटली है उस पोटली को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। दो अलग अलग काम है। जो जल है उसे कच्ची जमीन में डाल दें, क्यों? ताकि वो सोख जाए पूरा का पूरा जमीन। यावत भूमौ समाप्यस्यात, जब तक वो पूरा पी ना जाए तब तक उसे कच्ची जमीन में डाल दें और उस पोटली को जो आपने बनाया है उसको बहते हुए जल में प्रवाहित करें। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। कोई भी नदी आपको मिले उसमें ये पोटली प्रवाहित कर दीजिए सच्चे मन से। फिर देखना तुम्हारे सरोवर में, तुम्हारे प्यार रूपी सरोवर में क्या लहरें बढ़ेंगी, किस प्रकार से स्वीकृति आपके तरफ से नहीं सामने वाले से भी आएगी, सामने से कैसा एक्सेप्टेंस तुम्हें दिखाई पड़ेगा और कितना अद्भुत प्रेम का आभास होगा आपको, ये करते ही आपको पता चलेगा। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करिएगा, पूरे मन के साथ करिएगा, पूरा जुड़ के रहिएगा, पूरा प्रयत्न करिएगा कि गुरु के चरणों में अनुराग रख सके, क्योंकि गुरु का आदेश होना इस कार्य में बहुत आवश्यक होगा आपके लिए। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, बेहतर रहने की कोशिश करिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और हाँ खूब सुंदर बनिए। प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना, रोना बिलखना परेशान होना नेगेटिव सोचना उल्टा सीधा विचार करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऐसा करने से आपके काम नहीं होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। इतने टाइम से कह रहा हूँ, छोटी सी चीज तो है, करके देखो ना बहुत फल मिलता है। छोड़कर जा रहा हूँ हर दिन की तरह उन ख्यालों में जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।